Hello students, in this lecture we will see electric intensity outside and on the surface and inside the charged sphere. दिख रहा है आपको ये हम charged sphere के बाहर surface पे और अंदर electric intensity कितना होता है वो आज हम यहाँ पे सीखने वाले हैं. फिर से repeat कर दो जरा ध्यान देना. Today we have to see electric intensity outside the charged sphere, on the surface of charged sphere and inside the charged sphere. ये चीज़ हमको आज सीखना है यहाँ पे, ठीक है. एक charged sphere हमको दिया गया है और एक charged sphere के बाहर electric intensity कितना होता है, उसके surface पे electric intensity कितना होता है, अंदर electric intensity कितना होता है surface के, ठीक है. ये तीनों चीज़ आज हमको करना है. चलो start करते हैं, देखते हैं कैसे solve करेंगे इस चीज़ को, ठीक है. देखो सबसे पहले सारा चीज़ जो भी है वो diagram से समझ में आता है, बिना diagram कुछ नहीं आगे बढ़ पाएंगे, ठीक है. सबसे पहला काम है डायग्राम, डायग्राम से सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है. तो डायग्राम से स्टार्ट करते जरा ध्यान देना, ठीक है. डायग्राम ऐसा है, देख सकते हो क्या लिखा है यहाँ पे, चार्ज्ड स्पीयर, ठीक है. तो चार्ज्ड स्पीयर से स्टार्ट करेंगे. सबसे पहले मैं एक स्पीयर बना लेता हूँ, ठीक है. एक स्पीयर बना लेते हैं और स्पीयर मीन्स ये बोर्ड पर तो वो आपको एकदम सर्कल जैसा ही दिखाई देगा, तो यहाँ ले लेते हैं, ठीक है. ये मैंने एक छोटा सा चार्ज्ड स्पीयर लिया है जिसका रेडियस मैं अज्यूम करता हूं R, कैपिटल R इज द रेडियस ऑफ दिस चार्ज्ड स्पीयर. फिर से रिपीट करता हूं, ठीक है, ध्यान देते रहो, करना है हमको एकदम अच्छे से तरह से, ठीक है. R इज द रेडियस, R मीन्स कैपिटल, एक स्मॉल R भी आने वाला है, ठीक है, इसलिए बता रहा हूं. कैपिटल R इज द रेडियस ऑफ चार्ज्ड स्पीयर, ठीक है. कैसा स्पीयर है ये चार्ज्ड स्पीयर है, ठीक है. ये जो है दिस इज चार्ज्ड स्पीयर, चार्ज्ड स्पीयर का जो रेडियस है वो है कैपिटल R, कैपिटल R इज द रेडियस ऑफ चार्ज्ड स्पीयर. चलो ठीक है, कोई बात नहीं, हो गया प्रॉपरली. अच्छा आगे बढ़ते हैं और करना क्या है वो सुनो. सबसे पहले हम, वैसे मैंने आपको पहले बता दिया, हमको तीन केस करना है. मुझे निकालना है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी आउटसाइड द चार्ज स्पीयर, ऑन द सरफेस ऑफ चार्ज स्पीयर एंड इनसाइड द चार्ज स्पीयर. तो एक टाइम पे तो एक ही काम किया जा सकता है, तो मैं यहाँ पे केस वन से स्टार्ट करूंगा, ठीक है. वैसे डायग्राम तो तीनों केस के लिए बनेगा, केस वन पहले करेंगे हम जिसमें हम इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी आउटसाइड द चार्ज स्पीयर निकालेंगे, ठीक है. चलो हम ऐसा अज्यूम करते हैं, वी हैव टू फाइंड द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट दिस पॉइंट, ठीक है. मैं कुछ ऐसा अज्यूम कर लेता हूँ, I have to find the electric intensity at this point. ये point को मैं नाम भी दे देता हूँ, चलो ये point को हम नाम ले लेते हैं P. P is the point where we have to find the electric intensity due to this charged sphere. Circle मत समझ लेना, दिख रहा है वो circle लेकिन है वो sphere, ठीक है. अच्छा मैंने याद करो, मैंने आपको गॉसियन सरफेस वाले लेक्चर में मैंने क्या बताया था, मैंने आपको वहां पे ये बताया था जिस भी पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी निकालना है उस पॉइंट से गॉसियन सरफेस पास होना ही चाहिए. याद है ये पॉइंट, नहीं याद है जाकर लेक्चर देखो और समझो वो चीज को, ठीक है. मैंने वहां पर क्लियर बताया था द पॉइंट वेयर यू हैव टू फाइंड द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी द गॉसियन सरफेस मस्ट पास थ्रू दैट पॉइंट, ठीक है. उसको वहां से पास होना ही है, मस्ट पास थ्रू दैट पॉइंट, ठीक है. अच्छा चलो फिर गॉसियन सरफेस बना लेते हैं. मोस्टली क्या होता है, मोस्टली बात सुन लो, ज्यादा करके जो ज्योमेट्री मेन, ठीक है, मेन बॉडी का चार्ज बॉडी का होता है वैसा ही ज्योमेट्री गॉसियन सरफेस ज्यादातर, हम समझ लेना ज्यादातर वर्ड यूज कर रहा हूं, ऐसा मत समझना कि हर बार ऐसा होता है, हर बार बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता है, ठीक है, मोस्टली ऐसा होता है. तो मैं ये केस में स्पेरिकल स्पीयर, एक स्पीयर बनाता हूँ गॉसियन स्पीयर, ठीक है. एक गॉसियन स्पीयर हम एज्यूम करते हैं, ये है वो गॉसियन स्पीयर, समझ में आ रहा चीज, ये गॉसियन स्पीयर है. अच्छा ये हमने गॉसियन स्पीयर एज्यूम कर लिया है, थोड़ा सा यहाँ वहाँ होकर, ठीक है कोई बात नहीं, मैनेज कर लेंगे. तो ये है हमारे लिए गॉसियन स्पीयर, ठीक है, ये है गॉसियन स्पीयर, ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे गॉसियन स्पीयर ये रहा रेडी, ठीक है, गॉसियन स्पीयर समझ में आ गया, बस इतना काफ़ी. अच्छा ये वो पॉइंट है जहाँ पे मुझे निकालना है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी और ये पॉइंट आउटसाइड है, ये इतना आपको क्लियर दिखाई दे रहा है, ओके. अच्छा आप जरा ध्यान देना, मैंने क्या बताया था, जहां भी आपको इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी निकालना होता है वहां पे बनना चाहिए गॉसियन सरफेस. बना दिया है मैंने, कलर से दिख रहा है आपको, गॉसियन सरफेस बन गया है, पॉइंट पी से गॉसियन सरफेस पास भी हो रहा है, ठीक है. अच्छा एक बात और, गॉसियन सरफेस पे हमको एक छोटा सा एरिया कंसिडर करना पड़ेगा, ठीक है, छोटा सा एरिया कंसिडर करते हैं हम गॉसियन सरफेस पे. अच्छा
गॉशियन सरफेस पे जो एरिया कंसिडर करते हैं, और ये हमारा वो पॉइंट पी है, ठीक है। अब मैं पी को रब करता हूँ, इसको लास्ट में लिखूंगा, समझ लेना, पॉइंट पी पे ही तो आपको निकालना है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। अच्छा, आप एक बात जरा समझो, ये स्पीयर है, चार्ज्ड बॉडी स्पीयर है, गॉशियन सरफेस है, गॉशियन सरफेस का शेप स्पीयर है, ठीक है, गॉशियन सरफेस का जो शेप दिख रहा है वो स्फेरिकल है। तो मैं इस चीज को दो नाम दे सकता हूं, मैं इसको गॉशियन सरफेस बोलूं तो भी चलेगा, अगर मैं इसको गॉशियन स्पीयर बोलूं तो भी राइट है, ठीक है, रॉन्ग बिल्कुल भी नहीं, कंफ्यूज नहीं होना, गॉशियन स्पीयर अलग चीज है, गॉशियन सरफेस अलग, ऐसा नहीं होता है, डायग्राम पे डिपेंड करता है वो क्या है, ठीक है। तो यही मेरे लिए गॉशियन सरफेस भी है, यही मेरे लिए गॉशियन स्पीयर भी है, ठीक है, दोनों एक ही चीज है, एक ही चीज का दो दो नाम है, ओके। हाँ, मैं ये बता रहा था आपको कि गॉशियन सरफेस जो है, गॉशियन स्पीयर जो है, इसका आपको कुछ तो रेडियस भी तो एज्यूम करना पड़ेगा। चलो उसका रेडियस एज्यूम करते हैं, और यहाँ से ना ये वाली चीज़ को रब कर लेते हैं, क्यों पता है? क्योंकि रेडियस के ही डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी आ जाए तो समझ में नहीं आएगा उस चीज़, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं पहले ये बताता हूँ कि द रेडियस ऑफ द गॉशियन सरफेस और गॉशियन स्पीयर इज स्मॉल आर, हमेशा स्मॉल पैरामीटर से रिप्रेजेंट किया करो गॉशियन सरफेस या फिर गॉशियन स्पीयर को, ठीक है, और कैपिटल पैरामीटर से चार्ज्ड बॉडी रिप्रेजेंट होता है, याद रखना हर डेरिवेशन में चीज है, ये याद रखने वाली चीज है, बहुत ईजी चीज है। देखो, जब भी गॉशियन सरफेस से रिलेटेड कुछ भी आपको लिखना है, मीन्स रेडियस लिखोगे, हाइट वगैरह कुछ भी लिखोगे अलग अलग चीज में, तो वो स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट होना चाहिए, और जो मेन चार्ज्ड बॉडी है वहां पे आप कैपिटल लेटर यूज करो, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे काम करते हैं, हाँ, यहाँ मैं बताता हूँ, दिस इज द रेडियस ऑफ द चार्ज्ड स्पीयर विच आई एम टेकिंग एज कैपिटल आर, ठीक है, समझ में आ रहा है, कैपिटल आर है रेडियस चार्ज्ड बॉडी का, मींस चार्ज्ड स्पीयर का, और स्मॉल आर है रेडियस किस चीज का, किसका है पता है, गॉशियन सरफेस का रेडियस है स्मॉल आर, ठीक है, इतना समझ में आ चुका है सबको। अच्छा, आगे बढ़ते हैं, आगे क्या करना है वो जरा सुना, आगे हमको ये करना है, हमने एक पॉइंट कंसिडर किया है वेयर वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। चलो एक एक चीज करते हैं, मैंने यहाँ पे एक एरिया भी एज्यूम किया है, लेट दिस एरिया, दिस स्मॉल एरिया बी ds, ठीक है, ds इज द मैग्नीट्यूड ऑफ स्मॉल एरिया, ठीक है, दिख रहा है आपको, ds मैग्नीट्यूड है, ठीक है। अगर मुझे एरिया दिख रहा है तो मैंने बताया है एरिया हमारे लिए फिजिक्स में हम उसको ट्रीट करेंगे वेक्टर से, ठीक है, तो एरिया का एरिया वेक्टर भी होना चाहिए। चलो बना लेते हैं फिर एरिया वेक्टर, हमेशा मैंने बताया है आपको एरिया वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इट सरफेस, एरिया वेक्टर क्या होता है, वो खुद के सरफेस को हमेशा परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। तो ये जो है, ये जो मैंने ब्लैक कलर से बनाया है, दिस इज डी एस बार, मीन्स एरिया वेक्टर, और ये जो डी एस लिखा है, दिस डी एस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ दैट स्मॉल सरफेस, ठीक है, समझ आ रही है बात, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आगे बढ़ते हैं, देखो एरिया वेक्टर बना लिया है, अच्छा इसके बाद ये जो चार्ज स्पीयर है, ये चार्ज स्पीयर से मुझे ये पॉइंट पे निकालना है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कंफर्म उसका वेक्टर का डायरेक्शन ऐसा बाहर होता है, ठीक है ना, ऐसा बाहर डायरेक्शन होता है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का वेक्टर का। तो मैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी वेक्टर भी बनाता हूँ, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी वेक्टर, ऐसा मत समझना यहाँ से स्टार्ट हुआ, ठीक है, वो ऐसा जा रहा है, मैंने जस्ट उसके ऊपर बना दिया, ओवरलैप ब्लैक ब्लू ओवरलैप हो जाएगा नहीं तो। तो E बार क्या है, E बार इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर, या फिर आप उसको इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी वेक्टर भी बोल सकते हो, या फिर आप उसको इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ वेक्टर भी बोल सकते हो, ठीक है, ये E बार है। अच्छा ठीक है, इतना तो हमको समझ में आ गया है, गॉशियन सरफेस का रेडियस स्मॉल आर लिया है, मेन चार्ज बॉडी का चार्ज बॉडी का रेडियस कैपिटल आर है, एरिया वेक्टर बना दिया है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी वेक्टर आ चुका है, ऑलमोस्ट सारी चीजें आ चुकी है, ठीक है। एक बात मैं यहाँ से आपको कंक्लूड करना चाहूंगा, द एंगल बिटवीन ई बार एंड डी एस बार इज जीरो, ई बार और डी एस बार के बीच में कोई एंगल नहीं है, जीरो एंगल है, क्या फर्क पड़ेगा, बहुत बड़ा फर्क पड़ने वाला है। देखो हमारे डेरिवेशन में ये जो डी एस बार है और ई बार के बीच में जो एंगल है वो कितना है, थीटा, ये केस में कितना है, जीरो डिग्री है, ठीक है, याद रखना इस चीज का यूज कन्फर्म डेरिवेशन में होने वाला है, ध्यान देना, तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है, जीरो डिग्री, ठीक है। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं डेरिवेशन, ऑलमोस्ट हमने सब चीज बता दिया। अच्छा, सबसे मेन हर बार क्या होता है, एक्सप्लेनेशन पहले देना पड़ता है डायग्राम में क्या क्या हुआ है, ठीक है, तो डायग्राम में जो जो हुआ है उस चीज का हम एक्सप्लेनेशन देंगे, क्या बहुत ईजी है, देखो दो ही पॉइंट बताना है, ज्यादा नहीं, सिर्फ दो पॉइंट, एक पॉइंट ये चार्ज्ड बॉडी के बारे में बताओ, ठीक है, दूसरा पॉइंट ये गॉशियन सरफेस के बारे में बताओ, इस पर जो जो चीज आया सारी चीज बता दो, ठीक है, देखते हैं। चलो तो यहाँ पे
मैं फर्स्ट पॉइंट एक काम करता हूँ, डायग्राम यहाँ पे लिखा हुआ है तो बाजू में, ठीक है यहाँ से, यहाँ पे पार्टीशन कर लेता हूँ, यहाँ से हम एक्सप्लेनेशन भी करना है, थोड़ा बड़ा सा डेरिवेशन है ठीक है, लेकिन मैं उसको आपके लिए एकदम इजी बना करूँगा, एकदम इजी इजी चीज़ सीखेंगे हम ठीक है, एकदम इजी तरीके, जैसे आपके टेक्स्ट बुक में दिया है वैसा नहीं, एकदम पैराग्राफ वाइज नहीं, एकदम सिस्टमैटिक हर एक चीज़ का मतलब बताते हुए हम सीखने वाले हैं जो भी चीज़ है ठीक है। तो देखते हैं, चलो हाँ, पॉइंट ऐसा है कि सेकंड पॉइंट में हमको कुछ एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा, फिर हम थर्ड पॉइंट से हमारा मैथमेटिक्स चालू कर देंगे ठीक है। सेकंड पॉइंट में कुछ एक्सप्लेनेशन देते हैं कि क्या क्या हो रहा है यहाँ पर ठीक है। एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा ठीक है, क्या क्या बताएंगे, बहुत ईजी है, दो ही पॉइंट मुझे बताना है, एक ही चार्ज, अच्छा अगर आपको बनाना है तो आपके टेस्ट में जैसा बनाया ई बार यहाँ बनाया, ई बार ऐसा बनाया, ऐसा बहुत सारा ई बार बनाया, वो सब ई बार आपको बनाना तो बना लो, वैसे कोई इसका जरूरत तो नहीं है इतना ठीक है ठीक है। आगे बढ़ते हैं और सबसे पहला पॉइंट मैं इसमें बताना ये रहूँगा मुझे कि चार्ज स्पीयर के बारे में बताता हूँ ठीक है। चार्ज स्पीयर क्या है, बहुत सिंपल से जो आपको डायग्राम में दिख रहा है, रट्टा नहीं मारना है, जो दिख रहा है वही बोलना है ठीक है। कंसिडर अ चार्ज स्पीयर ऑफ रेडियस कैपिटल आर हैविंग चार्ज क्यू, क्यू आप चार्ज अज्यूम कर लो, कितना चार्ज उसके पास, क्यू चार्ज है ठीक है। Having Q charge on its surface, सिंपल सी बात है ठीक है ना। अच्छा सरफेस की जब बात आती है तो माइंड में आता है सरफेस चार्ज डेंसिटी, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, हमको ये डेरिवेशन में लगने वाला है, यहाँ बाजू बता देता हूँ, याद रखना उस चीज को ठीक है। सरफेस चार्ज डेंसिटी को हम सिग्मा से डिनोट करते हैं, सिग्मा इज कॉल्ड एज सरफेस। सरफेस क्यों ले रहा हूँ भाई, अरे देखो ना स्पीयर के पास सबसे मुख्य पैरामीटर क्या है, उसका सरफेस ठीक है। एक्चुअल में देखा जाए तो आपके टेक्स्ट बुक में ऐसा वहाँ पे क्लियर लिखा है इट इज होलोस्पियर ठीक है। मैं बोलता हूँ होलोस्पियर ठीक है, कोई बात नहीं है, आप इसको ऐसा एज्यूम करो इट इज अ नॉन कंडक्टिंग स्पियर। नॉन कंडक्टिंग स्पियर मीन्स क्या होता है, नॉन कंडक्टिंग जब भी वर्ड आएगा ना याद रखना चार्जेस सरफेस पे हैं। ये हम IIT JEE नीट के लेक्चर में करने वाले हैं ठीक है, यहाँ पे वहाँ पे वर्ड मैं बहुत बार यूज करूंगा। जब भी नॉन कंडक्टिंग स्पियर की बात आती है तो ये याद रखो कि वो जो भी चार्जेस है वो सरफेस पे है ठीक है। अगर मैं कंडक्टिंग सिखाऊंगा आपको JEE नीट वाले लेक्चर्स में, मैं आपको वहां पे सिखाऊंगा कंडक्टिंग स्पीयर्स में, कंडक्टिंग स्पीयर में क्या होता है बल्क में भी चार्ज होता है, अंदर भी होता है, इतना याद रखना है आपको ठीक है। चलो अभी तो हमारा बात सिर्फ सिलेबस में नॉन कंडक्टिंग की बात ही है ठीक है। हाँ हम सरफेस चार्ज डेंसिटी देख रहे थे, सरफेस चार्ज डेंसिटी इज डिफाइंड एज चार्ज, आप क्यू लो कैपिटल क्यू लो आपकी मर्जी ठीक है, वो लास्ट में आके वहां पर रिप्लेस हो जाने वाला है, चार्ज पर यूनिट एरिया ठीक है, चार्ज अपॉन एरिया बोल सकते हो। एरिया वैसे देखा जाए तो स्पीयर का एरिया होता है 4πr² 4πr² कैपिटल आर क्यों लिख रहा हूँ, स्मॉल आर क्यों नहीं लिखा, ऐसा क्वेश्चन आना नहीं चाहिए आपके माइंड में, अगर आ भी गया मैं बताता हूँ उसका आंसर। देखो चार्ज किसके पास है, चार्ज किसके पास है, चार्ज तो ये वाले बॉडी के पास है ना, तो जिस बॉडी के पास चार्ज है उसका रेडियस यूज करो ना ठीक है। ये क्या गॉसियन सरफेस पे थोड़ी चार्ज है, गॉसियन सरफेस पे चार्ज होता तो मैं स्मॉल आर लेता। अच्छा बोलेंगे आपके माइंड में सर चार्ज क्यों देख रहे हो, पॉइंट सुनो क्या बोलते हैं उसको, बोलते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी सरफेस पे होगा ना जहां चार्ज है, चार्ज तो यहां है तो इधर देखो, तो समझ में आया कैपिटल आर क्यों यूज किया है मैंने, ये इधर ही बहुत मिस्टेक यहीं पे होता है, बच्चे लोग यहाँ पे लिख लेते हैं स्मॉल आर और स्मॉल आर का स्क्वायर ऑन द स्पॉट रॉन्ग, आपका आंसर जीरो हो जाएगा डायरेक्ट, मीन्स टोटल जीरो मार्क्स मिल जाएगा वहां पर, तो वैसा नहीं होना चाहिए। इसके लिए हर एक पॉइंट पे एकदम ध्यान से समझो ठीक है। सरफेस चार्ज जैसे बताना बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, चलो स्टार्ट करते हैं जल्दी। क्या बताना है, वी हैव कंसिडर्ड अ स्पीयर, वी हैव कंसिडर्ड चार्ज स्पीयर हुज रेडियस इज कैपिटल आर एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज विच इट हैज एनक्लोज्ड इज स्मॉल क्यू ठीक है। हैविंग सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, बस अपने मन से बता दो, इतना कुछ याद रखने की जरूरत नहीं ठीक है, फटाफट लिखते ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे ठीक है। कंसीडर अ चार्ज्ड स्पीयर, या फिर आप ऐसा लिख सकते हो कंसीडर अ चार्ज्ड नॉन कंडक्टिंग स्पीयर, लेकिन एकदम बेस्ट हो जाएगा ठीक है। कंसीडर चार्ज्ड स्पीयर ऑफ रेडियस कैपिटल आर, मैंने बताया जो मेन ज्योमेट्री है उसका हर पैरामीटर कैपिटल होना चाहिए, एंड नहीं लिखना चाहिए क्योंकि बहुत कुछ बताना है, बहुत सारा पैरामीटर ठीक है। रेडियस आर बता दिया अपन ने, रेडियस आर तो ठीक है, रेडियस आर के बाद बताना पड़ेगा कि चार्ज क्या है ठीक है। एनक्लोजिंग चार्ज, कितना चार्ज एनक्लोज किया है, एनक्लोजिंग चार्ज स्मॉल क्यू में जो चार्ज दिखा है मैंने यहाँ पर लिखा है, इतना चार्ज ये बॉडी के अंदर है, एनक्लोजिंग चार्ज क्यों। Having surface charge
डेंसिटी, सरफेस चार्ज जो डेंसिटी है वो है हमारे लिए सिग्मा, दिख रहा है आपको वहां पे, मैंने सिग्मा एज्यूम भी किया, सिग्मा को बोलते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी। चलो ये चीज हो गई, फर्स्ट पॉइंट हमने बता दिया इसके बारे में, अब आते हैं गॉसियन सरफेस और ये सारी चीजें बताएंगे वहां पे, तो तीन पॉइंट, तीसरा पॉइंट इसके बारे में बता देंगे, क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। याद थोड़ी कर रहे हैं, जो भी हमको दिख रहा है डायरेक्ट वो लिख रहे हैं, ठीक है, तुमको भी वैसे ही करना है। पॉइंट नंबर टू ये है, अब हमको क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू कंसिडर गॉसियन सरफेस विच इज इन द फॉर्म ऑफ स्पीयर, ठीक है, स्पीयर के फॉर्म में दिख रहा है आपको, अच्छा ये हो जाएगा, और उसका रेडियस क्या है, क्या स्मॉल आर हमने ले लिया, ठीक है। पॉइंट ये है, ठीक है, ये पॉइंट के बारे में बताएंगे थर्ड पॉइंट में, चलो गॉसियन सरफेस के बारे में बताते हैं, ठीक है। लेट्स कंसीडर अ गॉसियन सरफेस, लेट्स कंसीडर गॉसियन सरफेस ऑफ रेडियस स्मॉल आर, अच्छा किस फॉर्म में आपका गॉसियन सरफेस है, गॉसियन सरफेस स्फेरिकल फॉर्म में है, ये बताना बहुत जरूरी है। कंसिडर ए गॉसियन सरफेस ऑफ रेडियस स्मॉल आर इन द फॉर्म ऑफ स्पीयर स्पीयर के फॉर्म में है, ठीक है। एक बात माइंड में फिट करके रखना, हमेशा थियरी लिखना बहुत जरूरी है, ठीक है, इसके बिना आप ऐसा सोच भी नहीं सकते कि आपको महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का जो एग्जाम होगा उसमें आपको फुल मार्क्स मिलेंगे डेरिवेशन में, इम्पॉसिबल है, बिना थियरी लिखे नहीं मिल सकता है मार्क्स, ठीक है, थियरी आना बहुत जरूरी है, ठीक है, नहीं तो मैं तो फटाफट करा दूं आपको एकदम जल्दी जल्दी डेरिवेशन, वो तो कर लेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इधर काम करना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अच्छा एक लास्ट पॉइंट में आते हैं, पॉइंट नंबर थ्री में, और पॉइंट नंबर थ्री वाला में क्या बताएंगे, ये दिख रहा है यहाँ पे एक पॉइंट था, याद है पी, हर एक चीज याद है अपने को, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है, पॉइंट पी के बारे में सब कुछ बताएंगे, ओके। पॉइंट पी क्या है, वी हैव कंसीडर्ड अ पॉइंट पी वेयर वी हैव टू फाइंड द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ स्मॉल आर, अरे भूल गए, ये स्पीयर का ही रेडियस तो होगा यहाँ पे स्मॉल आर ना, ठीक है, वी हैव कंसीडर्ड अ पॉइंट पी वेयर वी हैव टू फाइंड द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एंड इट इज एट अ डिस्टेंस ऑफ स्मॉल आर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द चार्ज स्पीयर, ठीक है। अच्छा फिर एरिया वेक्टर भी हम बताएंगे, वी हैव ऑल्सो कंसीडर्ड एरिया वेक्टर डीएस बार द एंगल बिटवीन डीएस बार एंड ई बार, ठीक है, ठीक है, इतना ठीक है। चलो पॉइंट पी के बारे में बता लेते हैं, पॉइंट थ्री थर्ड में पॉइंट पी के बारे में बता दें, कंसीडर अ पॉइंट पी वेयर यू हैव टू फाइंड या फिर वेयर वी हैव टू फाइंड कंसीडर पॉइंट पी वेयर वी हैव टू फाइंड, क्या फाइंड करना है हमको फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ या फिर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी वेक्टर, आप देख सकते हो वेयर वी हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर, ठीक है। अच्छा ये तो बात बाय डिफॉल्ट क्लियर होनी चाहिए सबको, वैसे दिख रहा है आपको पॉइंट ये सरफेस पे ये, ठीक है, ऐसा मत समझना इतना पार्ट क्या है, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस भी स्मॉल आ रही रहेगा क्योंकि ये सरफेस का पॉइंट है, अंदर थोड़ी है, ठीक है, होलोस्पियर जैसे ट्रीट कर रहे हैं इसको, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी वेक्टर, ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी वेक्टर कंसीडर पॉइंट पे वेयर वी हैव टू फाइंड द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी वेक्टर, ठीक है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी वेक्टर वो भी देखा हमने वहाँ पे, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी वेक्टर तो ठीक है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ऑल्सो कंसिडर अ स्मॉल एरिया डीएस विथ एरिया वेक्टर डीएस बार, ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम ऑल्सो कंसिडर, वो भी बता देते ना वही पॉइंट में सब कुछ आ जाएगा, फिर ऑल्सो कंसिडर स्मॉल एरिया डीएस एक छोटा सा एरिया डीएस भी कंसिडर किया है, हुज एरिया वेक्टर इज डी एस बार, जिसका एरिया वेक्टर हमने क्या कंसिडर किया है, हमने उसका एरिया वेक्टर कंसिडर किया है डी एस बार, ठीक है, बस हो चुका है, इतना इससे ज्यादा नहीं लिखने वाले, ठीक है, तीन पॉइंट काफी हो गए। अब आते हैं मैथमेटिक्स में और देखते हैं यहाँ पे क्या होता है, ठीक है, मैथमेटिक्स ऐसा है कि अब हमको यहाँ पे बताना है कि कैसे निकालेंगे हम लोग ई बार, ठीक है, ई बार निकालने का ट्रिक क्या होगा, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट चीज़ नहीं है, कर लेंगे, ठीक है। पॉइंट टू तो रेडी हो गया, पॉइंट थ्री पे आते हैं, पॉइंट थ्री पे पूरा का पूरा हमारा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होगा, ठीक है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन यहाँ पे करने वाला, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, अच्छा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में क्या क्या लिखना है वो ध्यान देखो, स्टार्ट कैसे करेंगे, सबसे मेन चीज यही है, ये पता है क्या है, दिस इज वन ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ गॉसस लॉ,
ठीक है, ये गॉस लॉ का एक है, गॉस लॉ का हमारे सिलेबस में महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट के सिलेबस में तीन एप्लीकेशन है, एक स्पीयर का एप्लीकेशन है, एक लॉन्ग वायर का एप्लीकेशन है, ठीक है, एक लॉन्ग वायर का एप्लीकेशन, एक सिलेंडर का भी हो सकता है, ठीक है, सिलेंडर नहीं है तो यहाँ पे और भी बहुत सारा ज्योमेट्री वहाँ पे दिया है, ठीक है, बहुत सारे पॉसिबल है, सिलेंडर पॉसिबल है, स्पीयर पॉसिबल है, ठीक है, ऐसा है। अच्छा बता दूँ, प्लेन शीट का हमारे पास तीन बता दें, तीन से फिर से, एक स्पीयर का एप्लीकेशन आता है गॉस लॉ में, ठीक है, अगर एग्जाम में आया है एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ तो आप स्पीयर वाला ये वाला सम सॉल्व, ये जैसा मैंने किया इसको सॉल्व कर सकते हो, या तो प्लेन शीट का एक थियरम हमारे इसमें, प्लेन शीट के बिल्कुल ऐसा थियरी है, वो भी हमको सॉल्व करना है वहाँ पे, या फिर लॉन्ग वायर भी कर सकते हो, ठीक है, ये छोड़ते हैं, ये हमारा काम यहाँ पे आता है, ठीक है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में आते हैं, स्टार्ट करेंगे गॉस लॉ से, ठीक है, गॉस लॉ से उस, क्योंकि दिस इज वन ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ, गॉस लॉ यहाँ पे लगने ही वाला है, ठीक है। तो पहला पॉइंट ऐसा होगा कि गॉस लॉ में हमको गॉस लॉ से स्टार्ट कैसे करें, ठीक है, सबसे पहले गॉस थियरम जो है, गॉस लॉ वो स्टेटमेंट नहीं लिखना है, मैथमेटिक्स कर रहे हैं, ठीक है, फ्रॉम गॉसस लॉ क्या है, ठीक है, गॉसस लॉ है, ये है गॉस लॉ, ये बोलता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई बार डॉट डी एस बार विच इज इक्वल टू क्यू, मीन्स समेशन ऑफ चार्ज, वैसे हमारे लिए यहाँ पे चार्ज तो क्यू है तो क्यू लिख देता हूँ, अपॉन एप्सिलॉन नॉट, याद है इस चीज को, मैंने फाई इज इक्वल टू ये प्रूफ किया था, लेकिन फाई आता कैसे, फाई तब आएगा जब आप सरफेस इंटीग्रेशन लगाओगे डी फाई को, ये डी फाई का वैल्यू है, भूल गए, ई डी एस कॉस थीटा, याद है ना सबको, याद होना चाहिए वैसे। अच्छा ये फाई का मैं अभी यूज नहीं करने वाला हूँ, मैं ये दो को लेके सॉल्व करूंगा, ठीक है, ध्यान देना, ये याद है ये सबको, ये सरफेस इंटीग्रेशन है, ठीक है, तो सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ ई बार, अच्छा एक काम करते हैं ना, सबको याद है डॉट हटता है तो कॉस थीटा आता है, याद है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ ई डी एस कॉस्ट, ठीक है, वेक्टर हट चुका है। अच्छा एक बात याद रखो, मैंने क्या बताया था, याद है थीटा, थीटा के बारे में एकदम स्टार्टिंग बताया था मैंने बताया था वहाँ पे कि थीटा का आंसर जीरो है, बिकॉज एंगल बिटवीन डी एस बार एंड ई बार इज जीरो, और ये थीटा है क्या, दिस थीटा इज द एंगल बिटवीन ई बार एंड डी एस बार, जिसको मैं अभी डायरेक्ट जीरो पुट करने वाला हूँ, क्योंकि आपको समझ में पहले ही आ चुका है, इधर बता दिया मैंने। अच्छा इट विल बी इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, हम इसको ऐसा लिख सकते हैं। अच्छा कोई मीडियम होगा तो आपको यहाँ पे के भी लिखना पड़ेगा, और वो के का वैल्यू वहाँ पे पुट करना पड़ेगा फॉर दैट मीडियम, ठीक है। अच्छा अभी तो हम एयर में काम कर रहे हैं तो ठीक है, इतना कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा ई जो है ये कांस्टेंट है, एक बात और, कॉस जीरो का आंसर कितना होता है, कॉस जीरो का आंसर वन होता है, तो ये भी छोड़ दो, तो बचा क्या आपके पास, ई बचा है, सरफेस इंटीग्रेशन बचा है, डी एस बचा है, इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट भी बचा है हमारे पास, ठीक है, इतना चीज ठीक है, ओके आगे बढ़ते हैं। हाँ तो डी एस, डी एस तो ये है स्मॉल सा एरिया, अगर आप इसको सरफेस इंटीग्रेशन लगाओगे, मैंने क्लियर पहले बता दिया ये सरफेस इंटीग्रेशन, ठीक है, अगर आप इसको सरफेस इंटीग्रेशन लगाओगे तो बड़ा हो जाएगा, पूरा सरफेस बन जाएगा। अच्छा सरफेस क्या होता है, सरफेस का एरिया कितना होता है, एरिया का मतलब सरफेस एरिया ऑफ स्पीयर इज 4πr², बट कौन सा स्पीयर, ये ds कहाँ है, क्या ये गॉसियन पे है कि ये मेन सरफेस, मेन चार्ज बॉडी पे नहीं है, गॉसियन सरफेस पे है, तो गॉसियन सरफेस का हमको रेडियस यूज करना पड़ेगा जो स्मॉल आर, देखो समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी यहाँ पे हम घाई घाई में कैपिटल आर लिख देते रॉन्ग ऑन द स्पॉट रॉन्ग, ठीक है, तो समझ लेना इस चीज को बराबर से, ई एज इट इज है सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ डी एस, डी एस गॉसियन पे है, क्लियर देख लो गॉसियन सरफेस पे, चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नहीं तो कंफ्यूज होते हैं बहुत बच्चे यहाँ पे, ये क्या है, दिस इज गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस लिख रहा हूं तो भी चलेगा, स्पीयर भी लिखेगा तो भी चलेगा, ठीक है, स्पीयर लिख रहा हूं तो भी चल जाएगा, समझ लेना चीज को, ठीक है, ओके। हाँ सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ डी एस, सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ डी एस करूंगा तो पूरे सरफेस का एरिया आ जाएगा, ठीक है, ये एरिया है ना, तो एरिया को सरफेस इंटीग्रेशन कहेंगे तो फुल एरिया मिल जाएगा, फुल एरिया इज 4πr², वाई स्मॉल आर स्क्वायर, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बिकॉज स्मॉल आर इज द रेडियस ऑफ गॉसियन सरफेस, और गॉसियन सरफेस पे हम गॉसियन सरफेस का एरिया निकाल रहे हैं, ठीक है। अच्छा आगे बढ़ते हैं, इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, समझ में आ रही चीज कैसे कर रहे हैं, ओके। ई का वैल्यू जो हम निकाल रहे हैं, ई मीन्स इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी तो निकालना है, ई विल बी इक्वल टू, ठीक है, ठीक है, ई विल बी इक्वल टू क्यू अपॉन 4πr² एप्सिलॉन नॉट, समझ में आ रहा है कैसे कर रहे हैं हम इसको, चलो थोड़ा सिस्टमैटिक लिखते हैं।
वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट पॉइंट पी इज 1/4 πε₀, ठीक है, 1/4 πε₀ इंटू क्यू बाय आर स्क्वायर। समझ में आ रही चीज है? ये फॉर्मूला तब आप यूज कर सकते हो जब आप एयर में हो, ठीक है, कहां पे हो, जब ये पूरा काम कहां पे हो रहा है, एयर में हो रहा है। लेकिन जरूरी थोड़ी है, देखो हमारे सिलेबस में तो इतना ही दिया, लेकिन हम तो आगे करते हैं, ठीक है, हमको इतने से सेटिस्फेक्शन नहीं, आगे बढ़ेंगे। एयर में ठीक है, चलो कोई मीडियम में आ जाते हैं जिसका, ठीक है, कोई मीडियम में आते हैं जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है, ठीक है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के, तो इसको भूलना नहीं है आपको, ये यहाँ पे यूज करना पड़ेगा। देन द वैल्यू ऑफ ई विल बी 1/4 πε₀ k, वेर k इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इन टू क्यू बाय आर स्क्वायर। ठीक है, समझ में आ रही है चीजें कैसे कर रहे हैं हम? ओके, तो ये हमने क्या निकाल दिया है, हमने इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी निकाल लिया है, ठीक है, लेकिन डेरिवेशन खत्म नहीं हुआ है क्योंकि हम थोड़ा आगे, तो पता ही है मैं आपको थोड़ा एक्स्ट्रा तो सिखाता ही हूँ हर बार। तो ये हमने क्या कर लिया है, यहाँ पे हमने ई का आंसर निकाल दिया है, दिस, ये जो दिख रहा है, चलो इसको प्रॉपरली हाईलाइट कर लेते हैं क्योंकि ये यही तो हमारा आंसर है, ये एक आंसर पॉसिबल है, आप इसको ये लिख सकते हो, ठीक है, ये हमारा आंसर है, ये है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का आंसर एट पॉइंट पी, ठीक है, ये पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। अच्छा, आगे भी मैं आपको सिखाने वाला हूं, इसमें आगे भी हम कुछ करेंगे। देखो, सिर्फ यही फॉर्मूला है ऐसा नहीं है, एक और तरीके से हम इस चीज को सॉल्व किया कर सकते हैं, वो क्या है वो भी बताऊंगा, ठीक है। चलो, तो ये फर्स्ट पॉइंट तो मैंने थर्ड में फर्स्ट पॉइंट कर लिया है, याद है, इस चीज का यूज अभी तक नहीं हुआ है, इसका यूज मैं करने वाला हूं लास्ट में अभी। चलो, तो क्या करते हैं, सेकेंड पॉइंट पे आते हैं और एक पार्टीशन फिर से ड्रॉ करके रख लेते हैं क्योंकि फिर से लगने तो वाला है हमको यहाँ पर, नहीं तो कन्फ्यूज हो जाओगे प्रॉपरली इसमें। तो ये एक बन गया हमारा पार्टीशन रेडी, ठीक है। चलो, फर्स्ट पर थर्ड पॉइंट में ही है, बता रहा हूँ, थर्ड पॉइंट में ही है, थर्ड पॉइंट का फर्स्ट पॉइंट कर लिया है, थर्ड पॉइंट का सेकेंड पॉइंट भी कर लेते हैं। देखो, थर्ड पॉइंट का जो सेकेंड पॉइंट होगा ये क्या है वो देखते हैं। देखो, इसमें क्या करना है, एक्चुअल में इसी का थोड़ा अपग्रेड है वहाँ पर, ठीक है, इसी को थोड़ा मैं अपग्रेड कर दूंगा। देखो कैसे कैसे करूँगा, क्यों दिख रहा है, क्यों क्यों, वैसे मुझे यहाँ पे इंट्रोड्यूस करना है सरफेस चार्ज डेंसिटी, ठीक है। तो चलो, मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि सरफेस चार्ज डेंसिटी से क्या करने वाले हैं, फ्रॉम सरफेस चार्ज डेंसिटी, ठीक है, क्या है सरफेस चार्ज डेंसिटी, सिग्मा, इसको बोलते हैं हम सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी इज द रेशियो ऑफ चार्ज टू द एरिया, एरिया की देख ध्यान दो, जिस स्पीयर पे चार्ज है उसी स्पीयर का एरिया, उसी स्पीयर का आपको नीचे एरिया लिखना है और रेडियस तो आएगा उसमें, तो वो टाइम पे रेडियस किसका लेना है, जो बॉडी पे चार्ज है, ठीक है, ये वाले बॉडी पे चार्ज है ना, ये स्पीयर वाला है, ठीक है, इसका रेडियस है कैपिटल आर, भूलना नहीं। देखो यहाँ पे भी मैंने वैसे लिखा है 4π, अरे फिर से लिख दिया, ठीक है, कोई बात नहीं, वापस चेंज कर लेते हैं, 4πr², ठीक है, 4πr², तो क्या, चलो ये कैसे यूज करेंगे इसको हम यहाँ पे, बहुत इजी, जरा ध्यान देना, क्यू का आंसर निकाल सकते हैं, फ्रॉम दिस वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ क्यू विच इज सिग्मा 4πr², समझ में आ रहा, एकदम सिंपल चीज बता रहा हूँ आपको, 4πr² को सिग्मा से मल्टीप्लाई करो, क्यू विल बी इक्वल टू सिग्मा 4πr², ओके, ये वैल्यू मैं यहाँ पुट कर सकता हूँ और ये इक्वेशन को इन द टर्म ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी बता सकता हूँ, देखना कैसे आता है, ठीक है। तो सिंस हमको पता है, सिंस ऑलरेडी वी नो दैट वैल्यू ऑफ ई फॉर द स्पीयर, फॉर द चार्ज स्पीयर एट पॉइंट पी इज 1/4πε₀, ठीक है, 1/4πε₀ क्यू बाय आर स्क्वायर था ना, क्यू बाय कौन सा आर स्क्वायर है, क्यू बाय स्मॉल आर स्क्वायर है, ठीक है, क्यू बाय स्मॉल आर स्क्वायर है, तो क्यू का आंसर तो मेरे पास रेडी है, सिग्मा 4πr², ठीक है, दिस 4π एंड दिस 4π विल गेट कैंसिल एंड द वैल्यू ऑफ ई विल बी, देखो कितना होगा ई का वैल्यू, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। समझ में आ रही है चीज़ कैसे कर रहा है, तो ये भी आपका एक फॉर्मूला है, ठीक है, ये भी एक फॉर्मूला है। अच्छा, ये फॉर्मूला तो जब आप एयर में रहोगे, तो एयर में जब सिस्टम है तो एयर में यूज़ करना है। अच्छा चलो, कोई मीडियम में आ जाते हैं, अगर कोई हम मीडियम में आ गए हैं तो आपको मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट तो यूज़ करना ही पड़ेगा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, और यहाँ पे और लिखना है, ई का एक और फॉर्मूला पॉसिबल है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट
के भूलना नहीं है, मीडियम में है, इधर भी मीडियम में थे तो के लिखा था, ठीक है, यहाँ भी लिखना है आपको, इनटू आर स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, दोनों आर अलग अलग चीज है, कैपिटल आर इज द रेडियस ऑफ चार्ज स्पीयर एंड स्मॉल आर इज द रेडियस ऑफ गॉशियन स्पीयर, ठीक है, समझ में आ रही है चीजें कैसे कर रहे हैं। तो हार्ड बिल्कुल भी नहीं है, है चीजें बहुत ईजी, बस प्रैक्टिस करने की देरी है, प्रैक्टिस हो जाए प्रॉपरली प्रिपेयर हो जाए, ठीक है, तो जैसा मैं करा रहा हूँ प्रॉपरली वैसे ही, उतना उससे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी रखिए अपना प्रिपरेशन का, और प्रॉपरली कंप्लीट करना है सिलेबस, टाइम पे कंप्लीट भी करना है, ठीक है, तो ये जो है हमने कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। तो ये जो मैंने सॉल्व किया ये तो जस्ट केस वन था, पता है ये जस्ट केस वन है जिसमें हमने फाइंड किया है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी आउटसाइड द चार्ज स्फीयर, याद है मैंने स्टार्टिंग में ही लेक्चर बताया वी हैव टू फाइंड द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ऑन द सरफेस एंड इनसाइड द स्फीयर एज वेल, हमको स्फीयर के अंदर भी निकालना है और सरफेस पे भी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी निकालना है, कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत ईजी है, ठीक है, इसके बाद इतने स्पेस में दोनों हो जाएगा, ठीक है, ध्यान देना। तो थर्ड पॉइंट तक हमने कंप्लीट कर लिया है, लेट्स मूव ऑन टू पॉइंट नंबर फोर, एंड इन पॉइंट नंबर फोर वी विल फाइंड इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ऑन द सरफेस, सरफेस पे निकालते हैं, ध्यान दो, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, या फिर इतना बड़ा लिखने से मैं डायरेक्ट ई बार लिखता हूँ, समझ जाना, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई बार, तो प्रॉपरली मैंने लिखा है, प्रॉपरली नोट्स भी बनाओ इस चीज का, ठीक है, ओके, ई बार ऑन द सरफेस, ऑन द सरफेस ऑफ स्पीयर, स्पीयर मीन्स चार्ज स्पीयर, ठीक है, अच्छा बताना पड़ेगा चार्ज स्पीयर, नहीं तो फिर आप लोग समझ जाओगे अरे गॉशियन स्पीयर, ठीक है, ऑन द सरफेस ऑफ चार्ज्ड, चार्ज्ड स्पीयर, चार्ज्ड स्पीयर के सरफेस पे हमको निकालना है, क्या निकालना है, ई बार, बहुत इजी, ठीक है, जरा यहाँ पे ध्यान दो, बहुत इजी, देखो पहले यहाँ पे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी निकाला, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस जो था वो था स्मॉल आर, ठीक है ना, देखो सेंटर से हमेशा वो पॉइंट तक का डिस्टेंस निकालते हैं जहाँ पे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी निकालना हो, ठीक है, और वो जो डिस्टेंस है, देख रहे यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस स्मॉल आर जो है वो फॉर्मूले में कहाँ आता है, वो डिनोमिनेटर में आता है, देख रहे हैं वो डिनोमिनेटर में आता है, देख रहे हैं क्या आता है, पता है डिनोमिनेटर में, वो डिस्टेंस डिनोमिनेटर में आता है जो सेंटर से वो पॉइंट तक निकालते हैं जहां पे हमको इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी निकालना है। अब मेरा पॉइंट यहां नहीं है, टॉपिक देख लो, अब मेरा पॉइंट ये दिख रहा है, ये जो चार्ज सरफेस दिख रहा है, ये जो चार्ज सरफेस है, ये पॉइंट चार्ज सरफेस पे आ चुका है, तो अब जो पहले मेरा डिस्टेंस क्या ये दिख रहा है, जो स्मॉल आर था वो डिस्टेंस कम कम होते 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 अब वो बन गया है कैपिटल आर, मीन्स सिंपल करना इतना ही है, इतना बड़ा जो डिस्टेंस आप पहले स्मॉल आर ले रहे थे अब उसको कम कर दो, क्योंकि पॉइंट आपका जो पॉइंट पी है वो अभी सरफेस पे, पॉइंट देख लो फोर्थ पॉइंट में क्या लिखा है, तो जब पॉइंट अगर सरफेस पे होगा जस्ट आपको स्मॉल आर के जगह पे कैपिटल आर लिखना है, बस आपका आंसर रेडी हो जाएगा वहां पे, ठीक है, तो करते हैं वो भी चीज़ जल्दी जल्दी, ठीक है, तो करना क्या है, बहुत इजी है, दैट इज इसका मतलब क्या है, इस चीज़ का सिंपल सा एक मतलब है कि स्मॉल आर के जगह पे कैपिटल आर लिख दो, बस खत्म, ठीक है, तो करते हैं, फॉर्मूला तो यहाँ पे है ही हमारे पास, दोनों फॉर्मूला, दोनों फॉर्म बनना, फॉर्मूला बना लेंगे जल्दी जल्दी, चलो पहले ये फिर ये, ठीक है, अच्छा पहले ये और फिर यहाँ पे आते हैं, तो पहला फॉर्मूला ई याद है सबको, ई का फॉर्मूला क्या होगा, वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट, एयर वाला लिख रहा हूँ, ठीक है, मैं एयर वाला लिख रहा हूँ, क्यू अपॉन क्या बन जाएगा, Q अपॉन इन टू क्यू अपॉन कैपिटल R का स्क्वायर, ये हो जाएगा एयर के लिए, ठीक है, और अगर मुझे E निकालना है, कहाँ निकालना है, मीडियम में निकालना है, तो वहाँ पे आपको K लेना पड़ेगा, और सिर्फ स्मॉल R के जगह पे कैपिटल R लिखना है, और क्या काम है, तो E का आंसर क्या होगा, वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट K, ठीक है, और Q अपॉन क्या मिलेगा, कैपिटल R का स्क्वायर, Q अपॉन कैपिटल R क्यों लिख रहे, समझ में आ रहा है, देख लो टॉपिक में क्या लिखा है, ठीक है, तो ये फॉर्मूला हुआ मीडियम के लिए, ठीक है, मीडियम, चलो ये जैसा लिखा है वैसे ये टाइप का फॉर्मूला भी आपको लिखना पड़ेगा, तो समझ लो एयर, मैं इसके नीचे लिख रहा हूँ, समझो ये दोनों चीज़ एयर के लिए ही है, ठीक है, ई इज इक्वल टू क्या मिलेगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, हाँ क्या बताया था मैंने, मैंने बताया है आर के जगह, स्मॉल आर के जगह पे कैपिटल आर लिखना है, ध्यान दो जैसे ही मैं स्मॉल आर के जगह पे कैपिटल आर लिख दूँ ना, तो कैपिटल आर स्क्वायर और कैपिटल आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, सेम इधर भी कैपिटल आर स्क्वायर कैंसिल, तो मुझे जो आंसर मिलेगा दैट विल बी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, दैट्स इट, इतना ही, और यहाँ पे ई का आंसर क्या मिलेगा, ई विल बी इक्वल टू, यहाँ भी वही है, सिर्फ खाली एक्स्ट्रा के लेना है, एप्सिलॉन नॉट के, समझ में आई चीज़, एकदम सिंपल सिंपल चीज़ है, एकदम सिंपल सिंपल, ठीक है, तो ये भी हमारा पॉइंट नंबर फोर भी रेडी हो गया, हमने क्या निकाला, हमने निकाला है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ऑन द सरफेस ऑफ अ चार्ज्ड स्फीयर, ठीक है, तो ये चीज़ हमारा रेडी हो चुका है, तो ये प्रॉपरली हमने रेडी कर लिया है, ठीक है, ओके।
आगे बढ़ते हैं और अब क्या निकालते हैं, अब हम निकालेंगे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इनसाइड द चार्ज स्फीयर। ठीक है, समझ में आ गई, पॉइंट नंबर 4 समझ में आ गया सबको। ओके, एक लास्ट पॉइंट है वो भी कंप्लीट कर लेते हैं तो हमारा आंसर कंप्लीट हो जाए। ठीक है, पॉइंट 5 ऐसा है, आपको निकालना है पॉइंट 5 में इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इनसाइड द चार्ज स्फीयर। ठीक है, अच्छा, चार्ज स्पीयर के अगर अंदर आपको इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी निकालना है ना, तो ये केस में जैसे मैंने बताया, क्योंकि ये नॉन कंडक्टिंग स्पीयर है, नॉन कंडक्टिंग स्पीयर है, और आपके टेक्स्ट बुक में जैसे दिया है कि ये हॉलो स्पीयर है, हॉलो मीन्स अंदर चार्ज है ही नहीं, नॉन कंडक्टिंग का मतलब ही वही हुआ, अंदर चार्ज नहीं है। जब अंदर चार्ज ही नहीं है तो अंदर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी आएगा कहाँ से, तो अंदर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का आंसर होगा जीरो। समझ में आई चीज क्या है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इनसाइड द चार्ज स्पीयर इज जीरो बिकॉज देयर इज नो प्रेजेंस ऑफ चार्ज इनसाइड द स्पीयर। ठीक है ना, सिंपल सा पॉइंट है। तो रीजन बताता हूँ, चलो पहले लिख देते हैं कैसा है। ई बार मीन्स इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड द चार्ज स्पीयर इज जीरो। ये क्या है, जीरो, ई जीरो, क्यों जीरो है, रीजन बता देते हैं। बिकॉज देयर इज नो चार्ज प्रेजेंट, नो चार्ज, बिकॉज देयर इज नो चार्ज प्रेजेंट इनसाइड द स्पीयर, प्रेजेंट इनसाइड द स्पीयर। स्पीयर ये कौन सा है ना, ये चार्ज वाला स्पीयर, इनसाइड द चार्ज स्पीयर, नहीं तो समझ लो ये गॉसियन स्पीयर बोल रहा हूँ, चार्ज स्पीयर। ठीक है, समझ में आ रही है चीज, क्या बताया मैंने, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इनसाइड द चार्ज स्पीयर इज जीरो बिकॉज देयर इज नो चार्ज प्रेजेंट इनसाइड द स्पीयर। बिकॉज मीन्स ये वाला रीजन लिखा है, रीजन बताते हुए मैंने लिखा है कि क्यों जीरो आ रहा है। ठीक है, तो पॉइंट एकदम सा क्लियर है। ठीक है, तो एक चाहिए तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ ऐसा कि ई बार का आंसर या फिर ई का आंसर होगा कितना, जीरो होगा अंदर ना, ई का आंसर अंदर कितना होता है, जीरो होता है। तो हमने टोटल तीनों केसेस सॉल्व कर लिया है, सिर्फ केस वन बड़ा है, वो भी बहुत ईजी है, इतनी अच्छी तरह से आपको समझाया है। ठीक है, तो समझ में तो आना ही चाहिए, अगर नहीं भी आ रहा है दो तीन बार वीडियो देखो। ठीक है, कितनी बार नहीं आएगा, एक बार नहीं आएगा, दो बार नहीं आएगा, कितनी बार नहीं आएगा, दो तीन बार वीडियो देखो, हर एक पॉइंट को समझो, हर एक पॉइंट को सर्च करो। ठीक है, समझ में आ जाएगी चीज़ें। ठीक है, तो देख लो प्रॉपरली, स्क्रीनशॉट वगैरह निकाल लो, इसका नोट्स प्रॉपरली प्रिपेयर कर लो। ओके, तो हमारा ये पॉइंट तो कंप्लीट हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ चार्ज स्पीयर।